बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है अचारी चिकन। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आइए, इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए हैं सबसे पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। अचारी चिकन के लिए मैं चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ, ये 750 ग्राम है, यानी कि 3 पाव। अचारी चिकन के लिए जो हम मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हम हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं 1/2 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1/2 चाय का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, या आप अपने जायके के हिसाब से कर सकते हैं। अदरक का टुकड़ा है, ये 1 से 1.25 इंच का पीस है, इसे हम जूलियन करेंगे। और 8 अदद इसमें साबुत लाल मिर्चें हैं, और इसको हम 2 से 3 टुकड़ों में काट लेंगे। वो मसाले जो अचारी चिकन बनाने के लिए ख़ास मसाले हैं उसमें हम 1 खाने का चम्मच भर के साबुत धनिया, 1 खाने का चम्मच सौंफ, 1 खाने का चम्मच लेवल्ड राई, ये पीली भी इस्तेमाल करी जा सकती है, कलौंजी 1/2 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, लेकिन इसमें थोड़ा मेरे पास मट्टी थी इसलिए मैंने इसे धो के रखा हुआ है, और 1/4 चाय का चम्मच हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं मस्टर्ड सीड, यानी के मेथी दाना। इन मसालों में से राई, साबुत धनिया और सौंफ, इनको हम मोटा मोटा कूट लेंगे, और बाकी के 3 जो ये मसाले हैं इनको हम ऐसे ही साबुत रहने देंगे। लहसुन का पेस्ट जाएगा इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के, 3 अदद हरी मिर्चें हम प्याज के साथ पेस्ट बनाएंगे। मैं बना चुकी हूँ, सिर्फ आपको मैंने ये दिखाया कि ये मोटी मिर्चें हैं और ये टेस्ट वाइज बहुत अच्छी होती हैं लेकिन इनमें तेज़ी नहीं होती। 1 लीमू का रस हम आखिर में दम पे रखते हुए इसके ऊपर निचोड़ेंगे, और 1 कप इसके अंदर दही जाएगा। प्याज का जो पेस्ट हम बना रहे हैं उसके लिए देखिए मीडियम साइज़ की 5 प्याज लेके उन्हें 2 से 3 टुकड़ों में काट के और मैंने ब्लांच किया 1 इंच के अदरक के टुकड़े के साथ। और उसके बाद ये इतनी बड़ी 3 हरी मिर्चें, वो 5 प्याज और अदरक का 1 टुकड़ा, इन सबको मैंने बगैर पानी के ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। तो ये एक मेरे पास जो है ये एक अच्छा गाढ़ा सा प्याज का पेस्ट रेडी हुआ हुआ है, ये हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। ऑयल जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1 कप, और इसके अंदर कोई भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी मैंने इसके अंदर प्रोसेस आपको दिखाने से पहले कर लिया है वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत अच्छे तरीके से वजाहत के साथ बयान कर दूंगी। तो आप उसमें से रेसिपी जो है वो पूरी लिखी हुई देख के और आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑयल गर्म कर लिया है 1 कप, और इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन का पेस्ट, साथ ही हम डाल देंगे चिकन, चिकन को हम अच्छे तरीके से लहसुन के साथ भून लेंगे। चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया और इसका पानी जो रिलीज हुआ है वो सारा भुन गया है अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये प्याज का पेस्ट जो हमने बना के रखा है, साथ ही हम इसके अंदर तमाम मसाले शामिल कर देंगे। जीरा चला जाएगा इसके अंदर, मेथी दाना, और ये सौंफ, साबुत धनिया और राई हमने मोटी मोटी कूट ली है, ये चली जाएगी इसके अंदर। हल्दी, नमक और गरम मसाला चला जाएगा। अब हम पहले इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से भून लेते हैं प्याज के पानी के साथ, और फिर हम इसके अंदर साबुत मिर्चें काट के डालेंगे 2-2, 3-3 टुकड़े करके। लेकिन अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर साबुत लाल मिर्चें डाल दीजिएगा, फिर वो मर्जी होती है कि जिसका दिल चाहे वो तोड़ के खा ले और जिसको कम पसंद है वो उन्हें छोड़ दे। तो इसे प्याज के पानी को अच्छे तरीके से हम दरमियानी आँच के ऊपर भून लेते हैं, इसे कवर कर देते हैं। प्याज का पानी खुश्क हो गया है तकरीबन, अब हम इसके अंदर ये कटी हुई लाल मिर्चें डाल देंगे, और साथ ही हम इसके अंदर दही भी डाल देंगे। और अब दरमियानी आंच के ऊपर हम चिकन को इतनी देर पकाएंगे कि ये गल जाए और इसका दही का पानी जो है वो पूरा अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। कलौंजी अभी मैंने नहीं डाली है क्योंकि उससे अक्सर सालन जो है वो काला हो जाता है, तो इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। और
और अब इसे कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर इतनी देर पका लेते हैं कि हमारी चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो सालन हमारा भुन गया है, रेडी है। मैं स्टोव जो है वो स्लो कर रही हूँ क्योंकि इसमें से काफ़ी छींटे उड़ रही हैं। अब इस वक्त हम इसके अंदर ये नाइजेला सीड यानी कि कलौंजी डाल देंगे, साथ ही इसके अंदर चली जाएगी कटी हुई अदरक। और अब हम इसके अंदर एक नींबू का रस शामिल कर देंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून इसके अंदर नींबू का रस डालना है। अगर आपके पास बॉटल है तो आप उसमें से 2 टेबलस्पून डालिएगा। एक दो हरी मिर्ची डाल देते हैं इसके ऊपर, मिक्स करके इसे 1 से 2 मिनट दम पे रखते हैं और फिर उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो हमारी मज़ेदार अचारी चिकन बिल्कुल रेडी है। ये बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत इजी रेसिपी है, ट्राई कीजिए, यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिए, वहाँ आपको काफ़ी रिटर्न रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अपने कमेंट्स में अपने सजेशंस और अपने व्यूज़ मुझसे शेयर करते रहा कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।